हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। ये जो पत्थर देख रहे हैं दोस्तों, ओरिजिनल पत्थर नहीं है, इसको हमने हाथों से बनाया है और रूट और रॉक बंसाई के लिए हमने इसको तैयार किया है। इसका वीडियो बाद में हम अपलोड करेंगे दोस्तों, कैसे हमने इस पत्थर को बनाया है। तो दोस्तों, ये जो बंसाई है हमने बड़ा सा पॉलीथीन के बैग में लगा रखा था, वो बैग फट चुका है दोस्तों। अभी हमने इसको निकाला है और आप देख रहे हैं कि इसका रूट अच्छे से डेवलप हो चुका है और इसको हम इस पत्थर में जकड़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आप देख रहे हैं कि इसका मेन रूट, ये जो मेन रूट है इसको हमने काट चुका है। बोनसाई का ट्रिक है दोस्तों, मेन रूट को काटना पड़ता है जिससे वो पौधा मौना हो जाता है। अब हम इसको जकड़ने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, देखते हैं कि ये कैसा रूप लेगा। तो हमने जो अपने हिसाब से होल बना रखा था दोस्तों पत्थर में, कुछ रूट को हम अंदर की ओर डाल रहे हैं। इसमें अंदर पत्थर में होल है दोस्तों, अंदर मिट्टी हमने डाला है। हमारे पास और रूट और रॉक बोनसाई है जो पत्थर का है, ओरिजिनल पत्थर का, जिसमें जड़ बहुत गर्म हो जाता है दोस्तों, थोड़ा तकलीफ होता है, इसलिए हम सीमेंट का बनाए हैं, कोशिश किए हैं। अब अंदर मिट्टी भी हम डाल रहे हैं और कुछ जड़ों को बाहर की ओर हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, बाद में जब हम कुछ साल बाद, ये बहुत ही सुंदर रूप लेगा दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत बोनसाई दिखेगा। सारे जड़ को हमने लपेट लिया है। अब दोस्तों, बीच बीच में हम मिस्टिंग भी किए हैं ताकि बहुत टाइम लगा है दोस्तों, तो इसमें नमी बने रहे, पौधा को नुकसान ना हो करके। अब दोस्तों, हम इसको एक धागे की मदद से, रस्सी से हम लपेट रहे हैं जड़ को बांधने के लिए, ताकि वो जड़ पत्थर में पूरी तरह से फंस जाए, लपेट ले जड़ को, पत्थर को। आप देख रहे हैं दोस्तों। दोस्तों, हम मॉस ले लिए हैं और कोकोपीट ले लिए हैं, थोड़ा सा मिट्टी ले लिए हैं और रूट, जहाँ जहाँ रूट दिख रहा है वहाँ वहाँ हम इसको लेप कर रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, हम सब जगह मिट्टी और उसको मिला रहे हैं, स्फिग्नम मॉस सभी तरफ। और इसके बाद दोस्तों, हम ये कारपेट का टुकड़ा है, इसको गोल आकृति देके हम इसके अंदर मिट्टी डाल देंगे, पर्याप्त तो मिट्टी। बोनसाई का सॉइल हमने बताया था दोस्तों, वही वाला हमने मिट्टी तैयार किया हुआ है और सारा डाल दिए हैं दोस्तों। जब हम पूरी तरह जड़ को बाहर निकाल लिया था दोस्तों, तो एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, इसलिए पूरी तरह से हमने ट्रिम किया है। पत्ता जो भी थे छोटे छोटे, उसको भी हमने काट दिया है और अच्छे से पानी हम डाल रहे हैं दोस्तों। और जहाँ जहाँ थोड़ा सा रूट बाहर दिख रहा है, वहाँ पर हम मॉस लगा रहे हैं दोस्तों नमी के लिए, ताकि वो उसको नमी मिलता रहे। अब हम इस प्लांट को दोस्तों 15 दिन तक छांव वाली जगह पे रखेंगे, जहां तेज धूप ना पड़ता हो। तो दोस्तों, हमारा बोनसाई रूट और रॉक बोनसाई जो हमने बनाया है, वो पूरी तरीके से बनने के लिए तैयार हो चुका है। बोनसाई का आर्ट है दोस्तों, बहुत समय लगता है, एक बार में हम दिखा नहीं सकते। जब ओपन करेंगे तो इसका सुंदरता दिखेगा, कितना ये अपना रूप लिया है। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।